Hello guys, this is Bachchan and you're welcome to BS Bachchan Singh. In this video, I'm just talking about how I edit my videos. क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कमेंट्स के जरिए और मैं लाइव सेशन पे भी एक बार बताया था कि क्या आप जानना चाहेंगे, तो उसके बाद फाइनली जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे मैं अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ और कैसे एडिट करता हूँ। रिकॉर्डिंग का तो मैं दो तीन जगह पर करता हूँ, जैसे कि एक यहाँ पर हूँ और इसके अलावा एक रूम पर। मैं इस वक्त एक ट्राईपॉड यूज़ कर रहा हूँ, इसकी पिक यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं ये ट्राईपॉड यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं दो तीन जगह, सिर्फ तीन जगह पर रिकॉर्ड करता हूँ। एक तो कल जहाँ पर लाइव सेशन मैंने किया था वहाँ पर, एक रूम पर और भी बाहर रूम के बाहर ट्रेस में। और उसके बाद बात आती है कि मैं अपनी वीडियोज़ को एडिट कैसे करता हूँ। मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, जिसके मैंने बहुत सारे वीडियोस ट्यूटोरियल जो आपको आपके लिए बना रखे हैं। इसके लिए आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा मेरा क्रिएटिव बीएस, वहाँ पे सारे एडिटिंग के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको यूट्यूब की भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे भी एडसेंस और यूट्यूब से लेकर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। अगर आप देख सकते हैं तो उसके लिए आपको आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। तो फिलहाल मैं आपको काइनमास्टर से मैं अपनी वीडियोज़ को कैसे एडिट करता हूँ ये मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। काइनमास्टर से रिलेटेड सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप अबाउट में जा सकते हैं। MOD V5 इंजन 1.5.48 ये वर्जन में यूज कर रहा हूँ, सेम यही आपके पास भी होगा और आप लास्ट वीडियो देख के काइनमास्टर डाउनलोड किए हैं तो। तो यहाँ पे इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे आप फर्स्ट वीडियो में सेलेक्ट करूँगा जिसको मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट के लिए, तो वहाँ पे पहले मैंने जो बोला है वो पार्ट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट जो है यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए, जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है तो इससे पहले का पार्ट यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ क्या परफेक्ट है। अगर ये सही है तो यहाँ से मैं रख लेता हूँ और जो जहाँ से मेरे को हटाना है वहाँ पे मैं बीच से ट्रिम कर लेता हूँ। बीच में मैं अपना इंट्रो डाल लेता हूँ, जैसे पहले मैंने बोला वेलकम के लिए, उसके बाद मैं अपने चैनल का इंट्रो यहाँ पे ट्रिम करके अपने चैनल का इंट्रो ऐड कर दूँगा। और उसके ऊपर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। और उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर और फुल लेंथ उसको दे देता हूँ, साथ ही साथ इसका शैडो ऑफ करके और इसकी इन एनिमेशन फेज और आउट एनिमेशन फेज ये दोनों मैं फिट करके उसके बाद जो है इसकी फॉन्ट्स की स्टाइल सिंपल से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बहुत सारे आप फॉन्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे स्टोर से, मैं फिलहाल जो सिंपल यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपना लोगो लगा देता हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं लोगो कैसे बनाती है, इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो के कॉर्नर पर मैं एक लोगो लगा लेता हूँ और इस लोगो में मुझे कहाँ तक रखना है वहाँ तक इसको रख देता हूँ, बाकी पार्ट जो है रिमूव कर देता हूँ। तो सिंपली कैसे बनाया उसको एक बार मैं प्ले करके देख लेता हूँ क्या सही है। अगर सही है तो यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी तरफ जान देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं फेसबुक का इंट्रो या फिर किसी भी चीज़ के बारे में या जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ उस टॉपिक के बारे में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जैसे हाउ टू गेट गूगल असिस्टेंट। इस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे मैं लिखने के बाद इसको ओके कर देता हूँ। तो ये पार्ट यहाँ पे सेम उसी तरह से सेड ऑफ इन एनिमेशन आउट एनिमेशन इस तरह से फेड करके और इसका फॉन्ट जो मैं रखता हूँ नॉर्मल वही रखती हूँ। और इसको मैं बहुत दूर तक लेके जाता हूँ क्योंकि मैं इसी लाइन पे जो है बीच से ट्रिम करके उस वर्ड को एडिट कर देता हूँ, जिसके लिए मुझे बार बार जो है नया वही सेम सेटिंग नया ना करने पड़े। तो यहाँ पे मैं सिंपल जो भी टेक्स्ट यूज किया पूरे वीडियो में यही टेक्स्ट रहेंगे और मैं जहाँ पे नहीं चाहता वहाँ से बीच से ट्रिम किया और नेक्स्ट जो पार्ट है उस पर जो है दूसरा वर्ड जो लिख रहा हूँ वही लिखूँगा। तो यहाँ पे सेम सेटिंग रहेगी, फॉन्ट वही रहेंगे और शैडो वगैरह वगैरह इन एनिमेशन आउट एनिमेशन सब कुछ वही रहेगा, मुझे वो सब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सिंपल है, एक बार आप इस तरह से लिख के उसमें बाद में बीच से ट्रिम करके उसको चेंज कर सकते हैं। और फाइनली मैं देख लेता हूँ एक बार वीडियो पे मैंने किस तरह से दिखाया है, तो मैं चेक कर लेता हूँ बीच बीच में क्योंकि मैं एक तरह से चेक करते करते जाता हूँ कुछ गलती ना हुई हो, जिससे मैं शायद वीडियो सही बनाने की कोशिश करता हूँ सही बन जाती है। और उसके बाद यहाँ पे इमेज लेयर पे जाके आप यहाँ से जो मैं वहाँ पे उंगली की तो वहाँ पे मैं दिखाना जो मैं दिखाना चाहता हूँ उस पार्ट को इस तरह से यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसको म्यूट करना होगा तो यहाँ से मैं म्यूट कर लेता हूँ और यहाँ पे जैसे मुझे इस चीज़ को दिखाना था तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। तो ये पार्ट मुझे दिखना चाहिए यहाँ पे रख लेता हूँ। अगर इसके बाद यहाँ पे इसको मैं ज़्यादा मार्क करना चाहता हूँ, कुछ शो करना चाहता हूँ तो यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ में जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी एनिमेट कर सकते हैं इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर तो ड्रॉ इन ड्रॉ आउट जो भी है, तो यहाँ से सिलेक्ट करके इसको आप एनिमेट भी कर सकते हैं सेम इस तरह से। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है काइनमास्टर का, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए भी। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से मैं कुछ दिखा रहा था सेम उसी तरह से, यहाँ पे मैं कुछ और लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, जैसे कि मुझे ये वहाँ पे दिखाना है तो यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करके इसको वहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ और इसकी वॉइस वगैरह म्यूट करके इन एनिमेशन सेम उसी तरह से मैं यहाँ पे इसको लगा रहा हूँ। और जिस पार्ट में मैं दिखा रहा हूँ उस पार्ट को यहाँ से मार्क भी कर सकता हूँ। तो इसके रिकॉर्डिंग वीडियोज़ को आप इस तरह से यहाँ पे
वीडियो लेयर या फिर इमेज लेयर लगा के यहाँ पे शो कर सकते हैं बोलने के जरिए दौरान। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बात ख़त्म होती है, उसके बाद मैं आपको यहाँ से कुछ भी सीन बीच में कट करना है तो यहाँ से कट कर लेते हैं। ये सीन मुझे नीचे, तो इस सीन को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। और बीच में मुझे जो दिखाना है वो वीडियो यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे जो शो करना है वो वीडियो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। और इसके बाद इस वीडियो का वॉइस म्यूट करके इसके ऊपर वॉइस ओवर भी कर सकता हूँ। जैसे कि आप वॉइस यहाँ पे देख रहे होंगे, इसके ऊपर मुझे कुछ बोलना है तो बाद में मैं इसमें और ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ वो सब मैं रिकॉर्डिंग के दौरान नहीं बोल रहा था, अभी फिलहाल जो ऊपर से मैं वॉइस देख रहे होंगे वहाँ पर क्लिक करके रिकॉर्ड करता हूँ। तो वो टेक्स्ट का जैसे मैंने आपको सेम बताया था वो टेक्स्ट मैंने लास्ट तक रखे हैं। तो बीच में मुझे जो उसमें वर्ड चेंज करनी है, जो लेटर चेंज करनी है, वो मैं चेंज कर लेता हूँ। बाकी जो सेटिंग है वो पूरी की पूरी वीडियो में सेम रहती है। और यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग के लिए ओपन कैमरा यूज करता हूँ, ओपन कैमरा एप्लीकेशन, और उसके साथ साथ अपना हेडफोन लगा लेता हूँ और वहाँ से उसकी वीडियो की सेटिंग में जाके ऑडियो सोर्स में माइक कर लेता हूँ। तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा कि किस तरह से आप जो है क्लियर वॉइस में वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी है कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में या फिर वीडियो मैंने बनाया है, तो उसके नीचे यहाँ पे मैं बीच बीच में लिखता रहता हूँ ताकि लोग जो है इंटरेस्ट लें उस चीज़ पे। और अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर भी ज़रूर पूछेगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो अगर काइनमास्टर में बताऊँगा तो उसमें थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन ए टू जेड आपको टोटली जो है बताऊँगा हर एक चीज़ के बारे में, स्लो मोशन, फास्ट मोशन और टेक्स्ट एनिमेशन, ये सब वो जो भी है मैं टोटली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं जो भी शो करना चाहता हूँ इस तरह से लिख के यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं सिंपली नीचे ऐड किया। और उसके बाद मैं अपना आउटरो, मुझे जो आउटरो लगाना है लास्ट में, वो आउटरो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो कि वीडियो के एंड में लगेगा इस तरह से। तो इंट्रो टू आउटरो टोटली हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे म्यूजिक लगाना होता है, तो यहाँ पे क्लिक करके साइड में आप देखेंगे म्यूजिक भी लगा लेता हूँ। और यहाँ पे एक कुछ मुझे दिखाना है, तो सेम जैसे कि मैंने पहले बोला था, यहाँ पे आप इमेज लेयर, वीडियो लेयर, मीडिया लेयर पे जाके आप दिखा सकते हैं। या फिर मुझे लोगो लगाना है तो कॉर्नर पे सेम जैसे मैंने पहले बताया था आपको, उसी तरह से लोगो लगा देता हूँ। और इसको एंड तक रखना, तो इस तरह से मैं एंड तक जो है लेके जा सकता हूँ, तो पूरे वीडियो में ये जो है लोगो मेरा रहेगा। तो इस तरह से आप जो है लोगो लगा सकते हैं अपनी वीडियो के कॉर्नर में। सो फाइनली यहाँ पे जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ उस वीडियो का जो मेन पार्ट है उसको पहले पे मुझे दिखाना चाहिए, जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जिस तरह से लिखा है और जिस तरह से दिखाया है, तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ पूरे वीडियो को कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम रहेगी है। यहाँ पे एक और फीचर है काइनमास्टर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मुझे दिखाना है मैं फिर से वही चीज़ यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो दूसरा फीचर की मैं बात कर रहा हूँ, वो फीचर है ब्लर करने का। जैसे बीच में ब्लर इफेक्ट डालना है तो वो कैसे डाल सकते हैं उसके बारे में अभी बता रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं आप ये ब्लर इफेक्ट, यहाँ पे इसको मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हैं बीच में ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे एक वीडियो ख़त्म होगा और दूसरा वीडियो स्टार्ट होगा, तो बीच में जो है ब्लर इफेक्ट आएगा इन और आउट करके। तो ये अच्छा लगता है फीचर, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सेम इसी तरफ से आप इफेक्ट कर सकते हैं लेयर में जाने के बाद, इफेक्ट में जाने के बाद। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एक अच्छा कूल लग रहा है थोड़ा सा। तो मेन बात एक ये भी है कि शुरू में, वीडियो के शुरू में आप मेन पार्ट जो है थोड़ा सा एक झलक जरूर दिखाएं। तो मैं वीडियो के फर्स्ट में जो है एक मेन पार्ट जो है वीडियो का दिखा देता हूँ, ताकि लोग जो है अट्रैक्ट हो और इंटरेस्टेड रहें वीडियो में, पूरे वीडियो जो है देखें। तो यहाँ पे इन एनिमेशन में मैं फिर से ब्लर एनिमेशन डाल रहा हूँ, उसका जो आउटरो है उसको फेड कर देता हूँ, मैं जहाँ तक रखना है उसको उसकी लेंथ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से इंटर होगा, तो जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फाइनली मेरा वीडियो जो है बन चुका है, और यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करने, तो मैं यहाँ से फिर से यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जैसे कि सेम मैंने बनाया है। इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया क्योंकि एक लंबी वीडियो एडिट कर रहा था, मैं फुल फास्ट मोड पे ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया। अगली वीडियो में काइनमास्टर के टोटली पार्ट्स जो हैं एक एक करके, थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा लेकिन बनाऊंगा ज़रूर। तो एक बार मैं पूरी वीडियो को इस तरह से चेक कर लेता हूँ कि वीडियो कैसा है, अगर कुछ कमी रहेगी तो मैं फिर से उसको सुधारता हूँ। और फाइनली जब वीडियो बन गई और उसके बाद कुछ म्यूजिक ऐड करना था यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। नीचे आप वॉइस का पार्ट देख रहे हैं, वहाँ से वॉइस ओवर पे जाके वॉइस ऐड कर देता हूँ। और शेयर पे जाने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं, और इसकी डेफिनेशन या फिर क्वालिटी फटाफट चेंज आपको करनी है तो यहाँ से आप चेंज करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बता दूँ कि यहाँ पे 720p ही सपोर्ट करता है, उससे ऊपर अगर सपोर्ट नहीं करता तो उसको कन्वर्ट कर लेता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी हेल्प जरूर करेगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू क्लिक हियर, वॉच माय अदर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय नाउ।